हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के गिरी पार को जनजाति का जल्द दर्जा मिल सकता है। बीते दिन दिल्ली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिला और हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का मुद्दा उठाया। जनजाति दर्जा दिलवाने की लंबे समय से लड़ाई कई मंच लड़ रहे थे। शिमला में सिरमौर विकास मंच द्वारा पत्रकार वार्ता कर गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार जताया। सिरमौर विकास मंच के अध्यक्ष सुनील ठाकुर ने बताया कि सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र जिसमें 154 पंचायतें आती हैं और 3 लाख लोग एसटी का दर्जा देने की लंबे समय से मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में आज सिरमौर का एक प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिला और बहुत ही सकारात्मक भूमिका उनकी रही है। सुनील ठाकुर, अध्यक्ष सिरमौर युवा विकास मंच। आज का जो हमारा विषय था, आज एक ऐतिहासिक जो पहल प्रदेश और केंद्र सरकार के नेतृत्व में सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र जिसमें 154 पंचायतें आती है और जिसमें 3 लाख लोग जो हाटी समुदाय की मांग उसको एसटी का दर्जा दिया जाए, आज वो रिपोर्ट जयराम सरकार के नेतृत्व में एक डेलीगेशन सिरमौर का वहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी से मिला है। बहुत ही सकारात्मक भूमिका उनकी रही है और जो हमारी रिपोर्ट बार बार रिजेक्ट की जाती थी उसके अंदर कोई ना कोई खामियां पाई जाती थी, अब वो खामियां पूरी तरह से दूर की है और वो आरजीआई ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इसी उपलक्ष में आज हमारी यहाँ प्रेस वार्ता थी, जिसके लिए हम प्रदेश की जयराम सरकार, तमाम मंत्रियों का धन्यवाद करते हैं, मोदी सरकार और अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश के अध्यक्ष भाजपा एवं सांसद शिमला लोकसभा क्षेत्र और सिरमौर से ही संबंध रखते हैं पछाड़ से लोकप्रिय सांसद सुरेश कश्यप जी का एवं चौधरी सुखराम जी का, रीना कश्यप जी का और भाई बलदेव तोमर जी का और पूर्व में जो सांसद रहे हैं वीरेंद्र कश्यप जी, धूमल जी, महेश्वर सिंह जी, जिन भी लोगों ने और जो हमारी हाटी समिति है जिन्होंने 1967 से लेकर ये जो हमारा मुद्दा था उसके लिए निरंतर लड़ाई लड़ते रहे और मंच में जो मेरे साथी यहाँ पर तमाम खड़े पिछले एक दशकों से सिरमौर युवा विकास मंच के नेतृत्व में जो भी यहाँ रिपोर्ट थी, चाहे वो केंद्र सरकार से हमारी लड़ाई थी या प्रदेश सरकार से, आरटीआई के माध्यम से हो, धरने के माध्यम से हो, गवर्नर के माध्यम से हो, आज इस मंजिल तक देखा है। आज उसी की खुशखबरी सुनाने के लिए और प्रदेश सरकार का धन्यवाद करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। धन्यवाद सर। आपने नहीं देखिए, ये अभी जो चुनाव है आंदोलन की 3 लाख लोगों का ये अनूठा आंदोलन था जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल रहे हैं। हम आपके माध्यम से सिरमौर के तमाम लोगों का, 144 पंचायतें पहले थी, 154 अब हो गई है, 400 गांव हैं, हम सभी लोगों का आपके माध्यम से जो आभार व्यक्त करना चाहते हैं, लोगों का भी एक मूवमेंट के जो लोग आए सभी विचारधाराओं के, और इन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार वो तो सर्वोपरि, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी जो कि गुलाब सिंह जी की एक भूमिका ले रहे हैं, उत्तराखंड के जौंसार बाबर को जो दर्जा 67 में मिला था वो उन नेता की बदौलत हुआ था, तो हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम विपक्ष के तमाम नेताओं का जिन्होंने ये बजट सत्र के दौरान जो है हर्षवर्धन चौहान जी ने उठाया था विधानसभा के भीतर, हम उनका भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं और महिला मंडलों का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। वहाँ के जो युवा शक्ति है, नौजवान है और बुजुर्ग व्यक्ति है, हम उन सभी लोगों का, क्योंकि हम कृतज्ञ एक तरह के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के की सफलता की पहली सीढ़ी अभी पार की है, अभी लंबा रास्ता अभी तय करना बाकी है, कैबिनेट में हमारा ये मसला जाएगा और उसके बाद संवैधानिक इसमें संशोधन भी होगा। हमें उम्मीद है कि चुनाव से पहले कुछ महीनों के भीतर पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाएगा।